नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ उसका पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, जो नॉलेज स्किल हमारे पास है वो हम अपने रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को, बिगनर्स को निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि देर सवेर वो अपना स्किल डेवलप करेंगे, लॉसेस को कंट्रोल में रखेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी लिंक्स, वेबिनार, सेमिनार, सब्सक्रिप्शन, कोर्सेज, किताबें, वीडियोस, ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। हम आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में ना तो इंटरफेयर करना चाहते हैं, ना आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप गूगल करें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको वहां से खरीदें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। एज आपने ऑब्जर्व करा, पिछले दिनों में हमने फिर से शुरू कराया कि मार्केट के खत्म होने के बाद हम कोशिश करते हैं मार्केट के वापस अंदर जाने की, देखने की कि क्या मार्केट में हमारे सेटअप के हिसाब से जो पिछले 15-20 दिन में हमने छोटा मोटा कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर की या अपनी तरफ से जो आपको कुछ एक सेटअप बना करके देने की कोशिश की, उस सेटअप के बेसिस पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डिसिप्लिन में रहते और उस सेटअप को फॉलो करते तो क्या मार्केट में कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। यही मेन मकसद होता है शाम को आपके पास आने का, मार्केट में आकर के बताने का कि मार्केट में हम कहाँ पर क्या कर सकते थे, या मोर और लेस ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ऐसा करके गलत ट्रेड से बच सकते थे या अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते थे। मुद्दा एक ही है, पहला हमने गलत ट्रेड नहीं लेना, दूसरा हमने लॉसेस को कंट्रोल में रखना है, तीसरा हमने मार्केट की डायरेक्शन को समझने की कोशिश करनी है, चौथा अगर पॉसिबल हो तो हमने मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ऑल इन ऑल एक ट्रेडर के लिए, चाहे वो बिगनर हो, इंटरमीडिएट लेवल का हो या एक वो प्रोफेशनल प्रो लेवल का हो, अल्टीमेट क्रक्स तो यही होता है ना कि गलत ट्रेड ना ले, स्टॉप लॉस को कंट्रोल में रखे, लॉसेस को कंट्रोल में रखे, जिसको मैं कहता हूँ मार्केट की डायरेक्शन में रहे और डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करे। यही हमारा भी मेन मोटिव है, यही मुद्दा है, हम भी यही करने की कोशिश करते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गूगल, गूगल का टैब जिसमें मैंने ट्रेडिंग व्यू एंटर किया हुआ है, ट्रेडिंग व्यू का ये सामने लिंक, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खुल जाएगी। ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट आपके सामने आ गई। अब हम साथ साथ इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। जो चार हमारे बड़े इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, उनके ऊपर हम अपनी एनालिसिस को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हम मार्केट में आज क्या कर सकते थे क्या नहीं। बिना किसी देरी, बिना किसी टाइम वेस्ट के सामने देखिए, ये वही चार ऊपर इंडेक्सेस लगे हुए हैं। सबसे ऊपर निफ्टी है, निफ्टी से ही शुरू करते हैं। निफ्टी को मैंने क्लिक कर दिया, सुपर चार्ट आ गया, सुपर चार्ट को क्लिक करा, पहली विंडो क्लोज, निफ्टी का चार्ट सामने स्क्रीन पर लग गया। व्हाइट करने के लिए मैं इसको व्हाइट कर दूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक बार तो मैं सारे के सारे इंडिकेटर्स हटा दूं। ये सारे इंडिकेटर्स हट गए। सबसे पहले हम अपने वो 45 मिनट वाले सेटअप से चलने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक आपको दो अलग अलग तरह से इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। पहला एक हमारा पिछले दिन का हाई लो और आज के दिन के 90 मिनट का हाई लो, ये वाला सेटअप हमने आपको देने की कोशिश की। पहली एनालिसिस इसी सेटअप से करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सेटअप आज बाजार में चला। फिर इसके बाद हम जो दूसरा सेटअप आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरे सेटअप पर भी बात करेंगे और फिर ऑल इन ऑल कोशिश करेंगे कि इन दोनों के दोनों सेटअप को मिला लें। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो कभी स्क्रिप्टेड नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन, जो मेरे मन का भाव होता है, जो सच्चाई होती है, बोलता चला जाता हूँ। एनालाइज आप खुद कीजिएगा कि इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम आई, पर मेरी अपनी समझ कहती है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लर्निंग वाला होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ चीजों को मिला करके एक और आपको हाई लेवल स्किल देने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट खुलने से पहले हमारा वही काम होता है, हम पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लेते हैं। काम हम सारा का सारा मैनुअली करेंगे, इंडिकेटर की मदद कम से कम लेंगे। मार्केट के सुबह 9 बजे मैंने पिछले दिन की हाई, पिछले दिन को लो को ऐसे मार्क कर लिया। आप इसको ऐसे समझ करके चलिए प्लीज कि मार्केट खुलने से पहले मुझे आज की कैंडल का नहीं पता, ये सुबह 9 बजे का टाइम है। 9 बजे मैंने पिछले दिन की हाई, पिछले दिन के लो को मार्क कर लिया। उसके बाद मैं आ गया 45 मिनट पे। 45 मिनट पर आने के बाद मेरा एक काम होता है, मैं पहले 45 मिनट की और दूसरे 45 मिनट के हाई और लो को मार्क कर लेता हूँ। मैं वो करूंगा 25 तारीख, ये 25 तारीख का। अब इसका रंग कोई और कर देते हैं, इसको हरा रंग रख लेते हैं। और उसके बाद ये 9 बजे वाली कैंडल, और ये उसके बाद में जी भैया जी ये मेरी 10 बजे वाली कैंडल। तो ये इसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये रंग नजर नहीं आएगा। तो एक मिनट आप साथ में रहें, थोड़ा क्लैरिकल चीजों को भी देखते चलें। हालांकि ये जो आप चीजें देख रहे हैं मैं इंडिकेटर से लगा सकता हूँ, पर कोशिश मेरी यही है कि चीज आपको कुछ ऐसी दे जाए कि इंडिकेटर के बिना भी आप कुछ कर पाए तो मजा उसी चीज का है। इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंसी जितनी कम रहे उतना ही बेहतर है। ये देखिए जी, अभी तक हमने आपको ये बताने की कोशिश की, देखिए जो तो ऊपर वाली लाइनें हैं ये पिछले दिन का हाई है, ये पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का हाई रेजिस्टेंस, पिछले दिन का लो सपोर्ट। उसी तरह से आज का 90 मिनट का हाई रेजिस्टेंस, 90 मिनट का लो सपोर्ट। जब प्राइस
चारों की चारों लाइनों के नीचे निकल जाता है। मतलब रेजिस्टेंस के तो ऑब्वियसली नीचे होगा, जब अपने सपोर्ट के नीचे निकल जाता है तो उस दिन मार्केट में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, वो आप सामने देख लीजिए। इसके ऊपर हमने बहुत बार बोल दिया, डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, लास्ट क्लास में भी बोला, तो आज फिर से वो सेटअप फिर काम कर गया कि ये देखिए, ये 9-1.25 वाली कैंडल, ये 10 वाली कैंडल, उसके थोड़ी देर के बाद मार्केट यहीं घूमता फिरता रहा, फिर उसके बाद जो 10:45 वाली कैंडल ने मार्केट के लो को ब्रीच कर दिया, मतलब पिछले दिन का जो लो था वो 11:45 वाली कैंडल ने तोड़ा, जो आज के दिन का लो था वो तो उससे पहले जल्दी टूट गया था, पर उसके टूटने के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम पिछले दिन के लो के भी टूटे का ट्रेड करेंगे। जैसे ही पिछले दिन का लो टूटा, आप यहाँ कहीं सेल स्टॉप लॉस या सेल का एक ट्रेड लेकर के एक ठीक ठाक सा मूव कैप्चर कर सकते थे। आज जग जाहिर है मार्केट में एक तरफा ट्रेंड था, डायरेक्शन था, जिसने जैसे फ्यूचर को शॉर्ट करके करा, पुट को शॉर्ट करके करा, आपके सामने ठीक ठाक सा कुछ कर पाए। ये पर्टिकुलर सेटअप में कुछ नया नहीं है, ये सेटअप भगवान की दया से ठीक चल रहा है। इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियोस बना चुके हैं और आज आपके सामने है कि अगर आप पिछले दिन के हाई लो को और पहले 90 मिनट के हाई लो को कंसिडरेशन में लग करके ये चार लाइनें लगा लेते हैं ना, और ये मान लेते हैं कि आपको जीवन में कुछ और नहीं सीखना है, ये बस बुनियादी बस प्राइस एक्शन बेसिस के ऊपर आप छोटा छोटा कुछ करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी भी काम करती है। यहां पर आप आज की जब चार लाइनें टूटे और मार्केट चारों लाइनों के नीचे निकलने की कोशिश करे, जैसे यहां निकल रहा है, आप यहां कहीं शॉर्ट करके आज के दिन के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा करके मार्केट को उसके हाल पर छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अगर नीचे निकलेगा तो उसके नीचे निकलने के चांसेस होंगे, वो आपने सामने देख लिया। ठीक है जी, निफ्टी के ऊपर ये 45 मिनट वाला, जो 90 मिनट वाला सेटअप, पिछले दिन का हाई लो जमा आज के दिन का 90 मिनट का हाई लो वाला सेटअप है, ये हमने आपको ब्रीफ कर दिया। आज ये फिर चल गया भगवान की दया से, और जिसने डिसिप्लिन को फॉलो करा, जिसने हमारी पिछले दिनों के वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश की, या जिसने वैसी जीवन में कुछ चीज सीखने की कोशिश करके डिसिप्लिन तरीके से काम करा, तो उसको ये पता था 10:45 के बाद, या कह सकते हैं 11:30 के बाद, कि भैया मार्केट में प्राइस नीचे की तरफ निकल रहा है, तो मार्केट में शॉर्ट करो या ना करो, पर यह गारंटी है कि मार्केट में आज लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि जब प्राइस चारों लाइनों के नीचे निकलता है तो उसके नीचे सरकने के चांसेस होते हैं। अगर आप इन चारों लाइनों से मार्केट की डायरेक्शन को भी पकड़ पाए हैं ना मेरे भाई साहब, इतना ही कर पाए हैं ना कि जब आप 10:45 11 बजे आपने बाजार देखा और बाजार आपको नीचे की तरफ दिखा, और आपने शॉर्ट करा या नहीं करा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने लॉन्ग नहीं करा तो भी आपके पूरे 100 में से 100 नंबर, क्योंकि आपने मार्केट की डायरेक्शन को समझा पहचाना और गलत तरफ ट्रेड लेने से आप बचे। दुनिया कुछ कहती रह जाए, कॉल खरीदो, फला करो, ढिमका करो, पर आपको पता था कि मार्केट भैया नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ रही है, और हमें पता है जब सपोर्ट टूटता है, मतलब जब बायर भागता है, मतलब जब जमीन हटती है, तो प्राइस नीचे जाता है, वो आपके सामने है। इस समय आपको नहीं पता, ये देखिए, इस समय आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर आपको इतना पता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपका कहता है कि जब प्राइस अपने आज के 90 मिनट के सपोर्ट को और पिछले दिन के लो को, लो का मतलब सपोर्ट को, तोड़ता है तो वो नीचे जाता है। आप यहां पर एक स्टॉप का ऑर्डर लगाएं, आज के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाएं, और उसके बाद देखें कि मार्केट में क्या हुआ, वो आपके सामने है। खैर, इस पर्टिकुलर सेटअप पे बहुत बार बोल दिया, अगर किसी को क्लैरिटी की आवश्यकता हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मुझे मेल लिख दीजिए, मुझे कुछ पता होगा इससे ज्यादा तो मैं आपको बता दूंगा। ये प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है, इसमें कोई फालतू इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, सॉलिड चलता है, आपके सामने है। अब चलते हैं जी, आइए अब मैं इसको हटाता हूं, और अब मैं बन जाता हूं 5 मिनट या 15 मिनट वाला इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है जी, अब इंट्राडे के अंदर में ये, अब मैं बात कर रहा हूं एक और दूसरे वाले सेटअप में, जिसमें हम जो सेटअप हमने बनाया 5 और 200 के क्रॉसओवर, वो मैं आपको लगा करके दिखा देता हूं किन इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर हमने दूसरा सेटअप बनाने की कोशिश की है, और अगर आपने उस सेटअप को भी फॉलो करा है तो उस सेटअप को भी फॉलो करके कैसे आज आप मार्केट के अंदर एक छोटा मोटा एक तरफा ट्रेंड ट्रेड पकड़ सकते थे, वो ऑब्जर्व कीजिए। देखिए देखिए, अगर आपने पिछले दिनों कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आज मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूं इसमें आपको मैं पिछले वीडियोस का रेफरेंस तो दे रहा हूं, पर उन पूरे के पूरे वीडियोस को दोबारा बताना, इलेबोरेट करना इस छोटी सी लर्निंग सेशन में, लाइव एनालिसिस मार्केट में ना ही संभव है और ना उसकी जरूरत है। तो मेरी आपसे बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप नॉलेज को और बेहतर करना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो पिछले दिनों के 2-4 वीडियोस देख लीजिए, आपको चीजों की बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई ज्यादा समय व्यर्थ आपका नहीं होगा। और विश्वास जानिए कि जितना पैसा किसी को दे करके उसकी क्लास में जा करके आप स्किल सीखने की कोशिश करेंगे ना, मेरी समझ कहती है कि बिना पैसे से ही मैंने कुछ ना कुछ शायद जो मुझे पता था सिखाने की कोशिश करी, और वो लाइव मार्केट में भगवान की दया से अभी तक तो काम कर रहा है भाई साहब। आइए, स्क्रीन ब्लैंक है,
मैं कहता हूँ मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, और मेरे पास वो पिछले दिन का हाई लो और आज के 90 मिनट का हाई लो वाली स्ट्रेटेजी भी नहीं है, मेरे को सीखनी भी नहीं है। मैं तो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करूंगा, मेरे को प्राइस एक्शन के बारे में मत बताओ। कोई इंडिकेटर सेटअप है तो वो बताओ। आइए देखिए, इंडिकेटर सेटअप भी है जी अपने पास एक, वो भी हमने बनाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये एक इंडिकेटर सेटअप है। ये इंडिकेटर सेटअप कहता है, ये जो प्राइस के साथ आप लाइन देख रहे हैं, ये 5 SMA है, मतलब ये 5 पीरियड की मूविंग एवरेज है। और ये बड़ी मोटी लाइन जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो स्लो चल रही है, ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है। ये सेटअप कहता है कि जब ये क्रॉसओवर हो जाता है और लाल लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं, मोटा मोटी बात, जब 5 SMA 200 SMA के नीचे आ जाता है, तो उस समय बाजार शॉर्ट हो जाता है, मतलब वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये आपको हमारे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, हमने कई बार बोल दिया। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि मेरे को आज मार्केट में 25 तारीख को इंट्राडे अपॉर्चुनिटी पकड़नी है, और मैं सुबह जब चार्ट खोलता हूं तो देखता हूं यार ये तो भाई सेटअप तो मेरे को मिल गया था 18 तारीख को, और आज 25 तारीख हो रही है, एक हफ्ता पहले ही मार्केट में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रखी है, आज मेरे लिए क्या है, आज क्या करूं भाई साहब। वो तो मैंने माना कि जब 18 तारीख को ये बन रहा था तो उस समय मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं, पर क्या आज कुछ ऐसा था जो मैं कर सकता था जिसके बेसिस के ऊपर मेरा कुछ बन जाता, मुझे कुछ चीज मिल जाती? तो डेफिनेटली था। वो कैसे था कि आपने सुबह 15 मिनट के प्राइस, देखिए सजेशन मेरा साथ साथ सुनते चलिए, इंट्राडे करना है तो मेरी समझ कहती है 15 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए। 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर जाने से आपको विप्सॉस या बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेड्स ज्यादा मिलने लगेंगे, जो बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनली डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि इतना विप्सॉस इतना ऊपर नीचे ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। तो इंट्राडे के लिए प्लीज 15 मिनट, स्कैल्पिंग करते हैं उस लेवल की एक्सपर्टीज अटेन करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो 5 मिनट 10 मिनट इज एक्सेप्टेबल, इंट्राडे 15 मिनट, 15 मिनट पर रुक जाइए। आइए जी, आपने कहा जी आज 25 तारीख है, 25 तारीख को आपने सुबह बाजार खोला, इंडिकेटर लगाया, आपने देखा यार ट्रेंड तो चल रहा है और मेरे हाथ से ट्रेंड निकल चुका है, तो क्या मैं, मतलब मैं तो खाली बैठा हूं, तो क्या आज बाजार में कुछ ऐसा था कि इस चलते हुए ट्रेंड में आप कहीं कुछ कर पाते? जी हाँ था, डिटेल आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगी। आज मैं आपको फटाफट से ये लगा करके दिखा देता हूँ आप किस लेवल पर क्या कर सकते थे। ये देखिए, सबसे पहली बात आपने ये देख लिया कि जी सुबह ही आपको ये मिल गया कि जी ये था। दूसरे नंबर पर आपने क्या करा, इस मतलब क्रॉसओवर को देखकर क्या आपको पता चल गया कि मार्केट में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी में कहीं कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाजार नीचे जा रहा है। आप कॉन्ट्रा या उल्ट्रा ट्रेड क्यों पकड़ करके अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हो, समझ आ रहा है, शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है, इस क्रॉसओवर से ये पता चल गया। आपने कहा ठीक है जी। आपने दूसरे नंबर पर लगाया इचीमोकू। देखिए इचीमोकू से हमने क्या समझाने की कोशिश की, एक मिनट के लिए मैं पुराने इसको हाइड कर रहा हूँ, 5 और 200 को हाइड कर रहा हूँ। इचीमोकू से हमने ये बताने की आपको कोशिश की, इचीमोकू में हमने सिर्फ क्लाउड लगा रखा, कुमो क्लाउड, मैंने इसके अंदर किजुन सेन, टेंकन सेन और ये सब, वो सब अभी ट्रबो सब नहीं लगाई हुई लाइन है उनका, कोई उसके हम, मुझे लगता है कि उससे बेहतर चीजें हमारे पास अवेलेबल है तो मैंने वो नहीं लगा रखी। फिलहाल मैंने क्लाउड से बात समझाने की कोशिश की है। क्लाउड हमको ये कहता है जब प्राइस क्लाउड के नीचे चलता है ना, तो इसका मतलब है प्राइस अपने सपोर्ट के नीचे चल रहा है। जो क्लाउड होता है रनिंग क्लाउड, वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। बिल्कुल ठीक, हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि जब प्राइस क्लाउड को ब्रीच करके नीचे आ जाता है, मतलब क्लाउड जब प्राइस क्लाउड को ब्रीच कर देता है, बस्ट कर देता है और नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब है वो अपने सपोर्ट को तोड़ देता है, और सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दिख जाए तो उसके बाद आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज पकड़ें, लॉन्ग ना करें, क्योंकि मार्केट के नीचे जाने के भरपूर चांसेस हैं। और आप देख रहे हैं कि 18 तारीख को ही क्लाउड ने भी ये कंफर्मेशन दे दी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रीच करके कि भैया मैं नीचे जा रहा हूं और मैं नीचे जाऊंगा, डबल कंफर्मेशन मिल गई। आइए अब उसके बाद क्या हुआ, आज बाजार खुला, ये देखिए, ये क्लाउड है। और लास्ट क्लास में हमने आपको अपनी तरफ से एक छोटी सी चीज और बताने की कोशिश की, वो है ये नीली लाइन जिसको हम लैगिंग स्पैन कहते हैं। लैगिंग स्पैन क्या होता है, ये चलते हुए प्राइस के प्रिसाइज 26 पीरियड पहले प्रेजेंट हो जाता है। देखिए डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबा खींच जाएगा, लोग बोर होते हैं, गाली निकालते हैं, फटाफट बात को खींचते हुए चलते हैं। लैगिंग स्पैन का मतलब ये होता है कि करंट प्राइस और लैगिंग स्पैन के बीच में अगर कहीं प्राइस का कंजेशन ना रह जाए, करंट प्राइस में और लैगिंग स्पैन में अगर बीच में कहीं प्राइस का कोई कंजेशन ना रह जाए, तो चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ भागता है, लैगिंग स्पैन ये कह रहा है। तो ये देखिए कि जब प्राइस सुबह 25 तारीख को यहां पर था, आज सुबह 9:15 यहां था, तो उसका लैगिंग स्पैन यहां था, बीच में इतना बड़ा ये प्राइस, इतनी बड़ी कैंडल खड़ी हुई थी, मतलब 9:15 बजे और लेगिंग स्पैन के बीच में ये प्राइस था, तो हमें ये क्लियर सिग्नल नहीं था क्योंकि चार्ट बना पड़ा है तो मैं कैंडल हटा नहीं सकता,
डिटेल देखनी हो तो पुराना वीडियो, कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। अगली कैंडल बनती है जी, उस समय भी मुझे बीच में जो है जोन में कंजेशन दिखता है, फिर 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 दिखता है, यहां तक दिखता है, और उसके बाद मुझको इस जगह पर आकर के तसल्ली से वीडियो देखते रहिए। इस जगह पर जब प्राइज इस विक के नीचे निकल जाता है, ये विक आप देख रहे हैं, ये वाला विक इस विक के नीचे निकल जाता है, मतलब ये कि ये लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस लास्ट बार कल के दिन में यहां तक गिरने के बाद वापस उछाल मारा है। कल कल से मतलब है जो एक कल से एक दिन और पहले प्राइस इस लेवल तक गया, लेवल के बाद वापस ऊपर गया, फिर उसके बाद आज सुबह ऊपर खुला, और उसके बाद जब तक प्राइस अपने पिछले सपोर्ट को नहीं तोड़ देगा, है ये सपोर्ट ही और कुछ नहीं है इससे ज्यादा, ये सपोर्ट की लाइन है, ये सपोर्ट का पॉइंट है, जब तक प्राइस अपने पिछले सपोर्ट को नहीं तोड़ देगा प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस नहीं है। जैसे ही प्राइस अपने पिछले सपोर्ट को तोड़ता है, जैसे ही करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच का ये सारा का सारा एरिया कंजेशन फ्री हो जाता है, तो इट इज अ ग्रीन सिग्नल अगेन कि यहां से मार्केट एक तरफ डायरेक्शन पकड़ सकता है, और वही हुआ, आप यहां कहीं पर शॉर्ट करके मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ सकते थे। वापस बोलता हूं, अभी हमारे टोटल सेटअप में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ट्रेल कैसे करना है, एग्जिट कहाँ करना है, क्लास आनी बाकी है। अभी के जो वीडियोस हैं, एनालिसिस हैं, सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने पर बात हो रही है। हाँ, मार्केट की डायरेक्शन आपने ऐसे पकड़ी, क्लाउड के नीचे है तो ये तो पता चल रहा है कि मार्केट शॉर्ट है, पर शॉर्ट आपको करना कहाँ है, वो करने की कला, करने का पॉइंट आपको दे दिया इस लेगिंग स्पैन ने। समझिए, जब प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन नहीं रह जाता तो प्राइस एक तरफ भागता है, ये हमको दूसरे इंडिकेटर से भी, हमको हमारे सेटअप के हिसाब से कंफर्मेशन हो गई। और इस कल हमने वीडियो में और बताने की कोशिश की कि जब आप यहां पर शॉर्ट कर रहे थे तो उस समय जो फ्यूचर क्लाउड बन रहा था, आपने देखना है कि जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उस समय फ्यूचर का जो क्लाउड है वो लाल रंग का बन रहा है या हरे रंग का, शॉर्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर का क्लाउड लाल रंग का बनना चाहिए, उसी तरह से लॉन्ग कर रहे होते तो फ्यूचर का क्लाउड हरे रंग का बनना चाहिए था। ये हमने अपने दोनों के दोनों सेटअप्स के साथ आपको ये बताने की कोशिश की कि मार्केट में मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, पिछले दिन का हाई लो, 90 मिनट के हाई लो पर काम कर लीजिए। दूसरा, आप चाहें तो क्रॉसओवर भी लगा लीजिए, क्लाउड भी लगा लीजिए। और ये देखिए, अब ये क्रॉसओवर से क्या हुआ, अब आप और बेहतर समझिए, क्रॉसओवर से तो सिग्नल मुझे मिला हुआ ही है कि क्रॉसओवर से मिल गया सिग्नल, 18 तारीख को शॉर्ट कर दो, जिसने शॉर्ट बना रखा उसके तो मौज आ रखी है सर। पर जो भाई शॉर्ट बना करके पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते, नेकेड पोजीशन हम हमेशा बना करते हैं कि शॉर्ट तो बनाया पर नेकेड शॉर्ट नहीं बनाना, वो आगे की क्लासों में बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप शॉर्ट करते हैं तो उसको हेज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, वो मे बी फर्दर सेशन में डिस्कशन होगा। पर जो मेरे भाई इंट्राडे ट्रेडर हैं, जिन्होंने ट्रेड करना है और शाम को अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, तो उनके लिए एंट्री पॉइंट पर आज मैंने बताने की कोशिश की थी, उनके लिए एंट्री पॉइंट था ये कि जब प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन ना रह जाए, जोन फ्री हो जाए, आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं, बाजार नीचे भागता है। आपको कल के जो पिछले दिन के बाजार है उससे बता देता हूं कि पिछले दिन के बाजार में आपको, सर पिछले दिन के बाजार में तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि 23 तारीख को आपको ये सिग्नल कहां पर मिल गया था, ये लाइव मार्केट में आप देखिए, ये देखिए, ये सिग्नल आपको इस जगह पर मिल गया था, और इस समय है मैं, हाँ ये है समय, ये 1:15 की कैंडल है, इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, यहां पर जहां मेरे माउस का कर्सर है उस चीज को पकड़िए, ये 1:15 की कैंडल है, 1:15 की कैंडल का नीचे का विक है, उसके बाद बाजार ऊपर 9:30 फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम से बाजार नीचे आया, और उसने अपने करंट प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच के पूरे जोन को कंजेशन फ्री कर दिया, मतलब सारा सपोर्ट हट गया। जैसी सपोर्ट हटा, प्राइस सपोर्ट से नीचे आया, देखिए क्रॉसओवर से नीचे चल रहा है, क्लाउड से नीचे चल रहा है, कंफर्मेशन पे दो कंफर्मेशन मिल चुकी हैं, तीसरी कंफर्मेशन मेरे को लेगिंग स्पैन ने दे दी। ये मेरा था एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट, मेरे को यहां पर एक शॉर्टकट ट्रेड बनाना था और मार्केट को उसके हाल पे छोड़ना था, और ये देखिए मार्केट ने आपको एक तरफा मूव दे दिया। ये पिछले दिन की बात है, बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है, पर मैं तो सेटअप पे बात कर रहा हूं। उसी तरह से आज देख लीजिए, आज आपको अपॉर्चुनिटी जो मिली वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली यहां पर, और उसके बाद बाजार नीचे। एक चार्ट पर बात हो गई, वीडियो में अगर इंफॉर्मेशन मैंने तेजी से चला दी हो तो आप इसको रिवाइंड करके आगे पीछे करके दो चार बार देख लीजिएगा, आपको मेरी समझ कहती है।
बात बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। एक चीज और बताता हूं, हैरान करेगी आपको, सरप्राइज करेगी, पर प्लीज सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए, मजा आएगा। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं, ये देखिए। अब मेरे को ये तो पता चल गया, चलिए एक क्लाउड लगा लेते हैं, क्लाउड से थोड़ा सा आपको सरलता रहेगी। ओके, अब आप आए, आप कहते हो कि आपको कुछ और एडवांस चीज आपको मिल जाए, कुछ और बेहतर मिल जाए। बेहतर का जवाब भी आज आपको मिल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ बता सकता हूं। तो मैंने ये सेशन, ऐसा लर्निंग सेशन आज फिर से डालने की कोशिश की, क्योंकि कोशिश मेरी यही है कि अगर मैं YouTube पर आऊं और आपके 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय मैं आपका लूं, तो आपको एक एक शब्द, एक एक मिनट आपको वैल्यू का मिलना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक चीज देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, एक मिनट और, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें शायद ना बाकी चार्ट के ऊपर करके दिखा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं फटाफट से आपको इसी चार्ट के ऊपर अपनी बात बताकर कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप आराम आराम से अपना काम करते रहिएगा, बस 5 मिनट के लिए आपको बाकी चार्ट एक बार दिखा दूंगा। ये देखिए आज क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने से पहले मैंने पिछले दिन का हाई लो लगा लिया, 23 तारीख का। उसके बाद मैंने अपने आज के 45 मिनट का हाई लो लगाया, ये मेरा 45 मिनट का हाई, और उसी तरह से ये मेरा 45 मिनट का लो। ये देखिए मेरे को सिर्फ क्या करना है, ठंडे दिमाग से सुनिए, सुबह उठ करके पिछले दिन का हाई लो लगा लेना है, और उसके बाद 45 मिनट का हाई लो लगा लेना है, और उसके बाद मैंने अपनी स्क्रीन पर ये क्लाउड हमेशा लगे रहने देना है। क्लाउड मुझे क्या करेगा, क्लाउड मुझे हमेशा डायरेक्शन का इशारा करता रहेगा। डायरेक्शन, क्लाउड अगर मुझे कह रहा है कि मैं ऊपर हूं और प्राइस नीचे है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, अगर निफ्टी को या किसी भी स्क्रिप्ट या किसी इंडेक्स को ऊपर भागना है, तो पहले उसको क्लाउड के ऊपर आना पड़ेगा। ये क्लाउड जो है, ये इस समय रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस को नीचे से चल करके ऊपर जाना है, और जब किसी चीज को नीचे से चल के ऊपर जाना पड़ता है तो रेजिस्टेंस होता है। जब ये कोशिश करेगा ना ऊपर जाने की, तो जितने लोगों ने इस एरिया में शॉर्ट बना रखे हैं ना, वो सारे के सारे अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। अगर उनको कन्विक्शन होगा कि बाजार को नीचे लेकर के जाना है, तो जितनी बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उतनी बार ऊपर से सेलिंग आएगी और प्राइस को नीचे धकेला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस सेटअप को, इस चीज को हमेशा नोटिस में रखिएगा। दुनिया कुछ भी कहती रह जाए, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, तो उसको एक बार को तो क्लाउड को बस्ट करके ऊपर आना पड़ेगा। आप एक क्लाउड लगा लीजिए, क्लाउड लगाने के बाद आप सुबह उठ करके पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लीजिए, उसके बाद 90 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिए, और जिस दिन, जब तक, आपको बता रहा हूं मैं, जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे चलता है, और जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्राइस अपने 90 मिनट के नीचे निकलता है, आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए, आपको अपॉर्चुनिटीज अपने आप चल करके दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको चिंता करती कि दो चीजें होंगी, पहली चीज प्राइस अपने पिछले दिन के हाई लो में या आज के 90 मिनट के हाई लो में कंजेशन में फंस करके रह जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आप कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड करेंगे ही क्यों, जिस दिन मूवमेंट ही नहीं है। दूसरा, आपको ये पता है कि अगर किसी दिन मार्केट उल्टा या काउंटर ट्रेड दिखा करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उस दिन आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो काउंटर ट्रेड है। जितनी बार प्राइस ऊपर जाएगा, वो सिर्फ एक आपको ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा है, प्राइस को ऊपर लेकर के जाएंगे, और वहीं से ही आपको ऊपर दिखा करके आपको लॉन्ग्स, जितने भी लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करेंगे, उनको ट्रैप कर लेंगे और ऊपर से फिर नीचे भेजना शुरू कर देंगे। इंफॉर्मेशन को फिर एक बार सुन लीजिएगा, कहने का भाव इतना है कि जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे चलेगा, आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड कीजिए। सेटअप्स आपके पास दो दो सेटअप्स आपको मैंने देने की कोशिश की। पहला सेटअप कि आप पिछले दिन का हाई लो, आज के 90 मिनट का हाई लो लगा करके आराम से बैठ जाइए। दो चीजें होंगी, प्राइस या तो अपने उसी चारों लाइनों के बीच में घूमता रह जाएगा, छोड़ दीजिए कुछ नहीं करना, या प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा, उस दिन अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर से बेचने की कोशिश की होगी, क्योंकि ऊपर ये सारा का सारा जो है ना, ये सेलिंग जोन है, यहाँ पर सारा का सारा रेजिस्टेंस है, बायर नहीं है यहाँ पर, यहाँ ये सारे के सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये सब के सब सेलर्स हैं, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं, चाहे फ्यूचर को शॉर्ट करा हुआ है, चाहे स्प्रेड्स बना रखे हैं, चाहे नेकेड पुट खरीद रखी हैं, भगवान जाने उन्होंने क्या किया हुआ है। आप जितनी बार यहां से ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, उतनी बार ही ऊपर से उसको नीचे बेचा जाएगा, ये बात याद रखना। अगर प्राइस को ऊपर जाना है, कन्विंसिंग ऊपर जाना है, तो उसको क्लाउड के ऊपर आना पड़ेगा। पहली बात, आपको मेरी बात पे शायद विश्वास इतनी जल्दी ना आए, तो आप पुराना डेटा देख करके देखिए। ये देखिए, लाइनें हटाता हूं,
आप देखिए हो क्या होता क्या है, एक बार को ये नीली लाइन को भी हटाता हूँ ताकि आपको बात फटाफट से समझ आए। ओके कर लेता हूँ। ये देखिए जब प्राइस क्लाउड के नीचे आता है तो उसके नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। यहां पर देखिए कैसे ट्रैप बनाया है, क्या ये देखिए खेल जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइस को नीचे लेकर के गए, फिर प्राइस को ऊपर करना शुरू करा, यहां से ये बाजार को दिखाने की कोशिश करी, लोगों को दिखाने, रिटेल को दिखाने की कोशिश करी कि भैया गिरावट खत्म हो गई है, चिंता मत करो, बिल्कुल गिरावट खत्म हो गई है। जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा, यहाँ से शॉर्ट बनाया और सारे के सारे बायर्स को, लॉन्ग्स को ट्रैप करके फिर बाजार नीचे। आपके सामने देख लीजिए उसी तरह से फिर बाजार के अंदर में कुछ ऊपर दिखाने की कोशिश की, उसको रेजिस्टेंस के जोन में लेकर गए, फिर नीचे धकेला, फिर उसके बाद कोशिश करी और एक ऐसी स्टेज आई जब स्टेज ने क्लाउड को बस्ट कर दिया और ऊपर गया, फिर दोबारा ट्रैप करा, उसको गिरा करके वापस सपोर्ट के जोन में लेकर आए, पर सपोर्ट का जोन टूट नहीं पाया क्योंकि यहां पर बाइंग प्रेशर था और प्राइस फिर ऊपर निकलता चला गया। तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिएगा जो कहना चाह रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि उसको 1:15 से 3:30 के बीच में सब कुछ ही करना होता है, लेना भी है, क्लोज भी करना है, प्रॉफिट भी बुक करना है और 70 तरह की मुसीबतों से जूझना है। ये देख लीजिए, ये अब मैं पीछे आ गया, प्राइस ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये देखिए, अब यहां पर जितने मर्जी लोग शॉर्ट करते रहो, जितना शॉर्ट करोगे उसको नीचे के लेवल पर फिर खरीदेंगे, शॉर्ट फिर खरीदा, फिर शॉर्ट फिर खरीदा, फिर शॉर्ट फिर शॉर्ट फिर शॉर्ट फिर शॉर्ट। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो उसको क्लाउड को बस्ट करना पड़ेगा, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसको क्लाउड के ऊपर आना पड़ेगा, बात खत्म हो गई। आई होप मैं आपको समझा पाया। हालांकि वीडियो में हमने कोशिश करी कि आज आप कहां पर ट्रैप होने से बच सकते थे, कहां ट्रेड ले सकते थे। अब कल की प्रिडिक्शन की भी बात मैंने साथ साथ कर दी और प्रिडिक्शन आपके सामने है, क्लाउड बना हुआ है, प्राइस नीचे है, क्लाउड नीचे की तरफ चल रहा है, लाल रंग का क्लाउड है, तो मार्केट में आपको यहां पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की क्या जरूरत है, मौका लगे शॉर्ट कीजिए। आइए और देखते हैं फिन निफ्टी में देखिए क्या चल रहा है आपके सामने है। जब तक प्राइस नीचे रहेगा, जितनी बार आप लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे उतनी बार आपको ट्रैप करेंगे। ये देखिए सीधी बात है, जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे चल रहा है, एज इंट्राडे ट्रेडर मेरी समझ कहती है आप किसी भी सेटअप से काम कीजिए, अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को यहां तक थोड़ा बहुत समझ पाए हैं ना, तो मेरा अभी तक के वीडियोस का और मेरा पर्पस यहां तक सर्व हो जाता है कि डायरेक्शन के नाम पर इंट्राडे में 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर फिन निफ्टी में लॉन्ग अभी नहीं बनाना है। मेरी समझ कहती है कि आपको शॉर्ट्स के ट्रेड फाइंड करने चाहिए क्योंकि शॉर्ट्स के ट्रेड के सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। आप आज वो 45 मिनट्स वाला सेटअप इस पे लगा करके देखिएगा, सॉलिड काम करा है। फटाफट से दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये पिछले दिन का लो है, ये आज की 1:15 की कैंडल, ये 10 की कैंडल, ये देखिए जो मैं जिस ट्रेड की बात कर रहा हूं, जैसे ही प्राइस इस लाल लाइन के नीचे निकला आपके सामने, शॉर्ट की इंटेंसिटी देख लीजिए, शॉर्ट पे डबल कंफर्मेशन है। इसके साथ आप एक जो हमारा एक और इंडिकेटर जिस पर बात कर रहे हैं हम, उसको लगा करके देख लीजिए, प्राइस ऑलरेडी नीचे चल रहा है, क्रॉसओवर के नीचे, क्लाउड के नीचे, क्लाउड के नीचे के बाद पिछले दिन के हाई लो के और आज के 90 मिनट के नीचे, तो नीचे ही नीचे, कहां पर है लॉन्ग यहाँ पे। और साथ में अगर 90 मिनट तक ना वेट करना हो तो फिर वो लैगिंग स्पैन फिल्टर लगा करके देख लीजिएगा। आइए और देखते हैं मिड कैप में क्या हुआ। मिड कैप में देखिए खूबसूरती देखिए, मिड कैप में कैसे ट्रैप करा इसने आज, हम रिटेल ट्रेडर्स को भी इस भाई ने ट्रैप करने की कोशिश की और ट्रैप करा, बढ़िया करके ट्रैप करा। ये देखिए कैसे बढ़िया था। पहले फटाफट से कल की प्रेडिक्शन देख लेते हैं, मेरी समझ कहती है क्रॉसओवर के भी नीचे है, क्लाउड के भी नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्लीज शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करें। यहाँ पर इस भाई ने क्या करा, छोटा सा एक अच्छा इसने हमको एक लॉस देने की कोशिश की है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे सर, बात को फटाफट खत्म करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो क्वेरीज हो, कंसर्न्स हो, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी हम आपको शेयर करते रहेंगे और साथ साथ कोई लाइव मार्केट में आकर के आपको कुछ चीजें बताने की भी कोशिश करेंगे। ये देखिए क्या हुआ, मार्केट खुलने से पहले मैंने हाई लो लगा लिया, उसके बाद मैं 45 मिनट पर आ गया, उसके बाद ये देखिए क्या हुआ, उसके बाद मौका ही नहीं, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। आज 23 तारीख का हाई लो लगा लिया, 45 मिनट का हाई लो लगाइए और ये 45 मिनट का हाई लो सारे दिन के अंदर में कहीं पर कोई ब्रीच ही नहीं है सर। ये देखिए ये कैंडल और ये कैंडल, जब तक प्राइस इसके नीचे निकलता, इसके नीचे निकला, यहाँ पर आकर के अगर किसी ने एक पोजीशन शॉर्ट करने की कोशिश की है 1:45 बजे के आसपास, यहाँ पर आपने शॉर्ट बनाया तो शॉर्ट बनाने के बाद उसको नीचे जाना चाहिए था और वो नीचे न जाकर के वापस कंसोलिडेशन जोन में घुस गया। तो मैं यही कह रहा था कि यहां पर आपको इस भाई ने
एक कोई 30-40 पॉइंट का मेरी समझ के आती है लॉस दे रही, 48 है, 48 के बाद ये 88 है सर, 40 पॉइंट का आपको इसने ठीक ठाक सा एक लॉस देने की कोशिश की। पर क्या कर सकते हैं सर, मार्केट है, मार्केट हमेशा, कोई दुनिया का को, कोई भी सेटअप नहीं होता इस दुनिया में जो आपको 100% रिजल्ट दे, आपको लॉसेस को साथ दे करके चलना है, एक्सेप्ट करके चलना है। पर हाँ, अगर कोई भी एक ऐसा सेटअप है जिसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं, जो आपको प्रॉफिट ज्यादा देता है लॉस कम देता है, तो आप मान लीजिए बैक टेस्ट करके देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए कि इवेंचुअली आप कुछ समय के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ जो सेटअप्स इस तरह के होते हैं वो आपको एट द एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना ही देते हैं सर। उसके बाद हमारा कल का अनुमान जिस पर मैंने पहले बात कर ली, फटाफट से उसको देख लेते हैं। देखिए प्राइस क्रॉसओवर के नीचे है, शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे क्लाउड के भी नीचे है, हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। पहला तरीका, पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लीजिए, उसके बाद 90 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिए और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिए। दूसरा, आप चाहें तो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर जा करके आप लेगिंग स्पैन और क्लाउड का सहारा लेकर के वहां पर भी कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। मिड कैप की बात कंप्लीट हो गई, फटाफट से बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बढ़िया ट्रेड था सर, यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती थी, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट, शॉर्ट होने के बाद बाजार नीचे। हुआ क्या, देखिए पहला 45 मिनट का, पहले 45 मिनट का लो जो है वो तो सुबह ही टूट गया, पर हमने आज के 90 मिनट के लो के टूटने के तुरंत बाद ट्रेड नहीं लेना है। हमें पता है पिछले दिन के लो के पास आकर के मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, जब तक पिछले दिन का लो नहीं टूटेगा तब तक हम शॉर्ट नहीं बनाएंगे। और जैसी शॉर्ट टूटा, माफ कीजिएगा, जैसी पिछले दिन का लो टूटा, यहाँ पर आप शॉर्ट कर दीजिए, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए और मार्केट ने ठीक ठाक रहा तो मार्केट आपको एक डायरेक्शनल छोटा मोटा मूव दे देगा जो सामने दिख रहा है सर। आगे फर्दर प्रिडिक्शन की बात करूं तो फर्दर प्रिडिक्शन में कुछ खास है नहीं सर, जब तक प्राइस क्लाउड के नीचे, क्रॉसओवर के नीचे देख लीजिए आप सर, माफ कीजिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है, क्रॉसओवर आपको मिल चुका है। अच्छा मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, आप 5 मिनट पर भी देख लीजिए, 15 मिनट पर, जहां पर आपको अच्छा लगे आप वहां पर देखिए, आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर वही 18 तारीख को, 18 तारीख को देखता हूँ 44,400, और इस समय जो रेट आ गया है वो 42,800, 44,400 से ये 2,000 सर, 1,500 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमको इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिख रही है। 15 मिनट पर काम करते हैं, अगर आपको 90 मिनट वाला सेटअप नहीं समझ आता, आराम आराम से 15 मिनट पर काम करते रहिए। 15 मिनट पर बस ये है कि आप एक साथ में इसके लेगिंग स्पैन लगा करके रखिए, क्योंकि जब तक लेगिंग स्पैन आपको रेजिस्टेंस फ्री, माफ कीजिएगा, नीचे की तरफ सपोर्ट फ्री जोन में नहीं नजर आएगा, जैसे यहाँ पर है, आज ये कहाँ पर नजर आ गया था, आज ये यहाँ पर नजर आ गया था, क्योंकि ये पिछला जो कैंडल है ये सपोर्ट का काम कर रहा है, जैसा निफ्टी में काम कर रहा था, क्योंकि प्राइस यहाँ पर गिर करके वापस ऊपर गया है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं बायर बैठा हुआ है, उसी ने ही प्राइस को ऊपर खींचा है, उसने कल भी प्राइस को ऊपर खींचा और आज भी उसने मार्केट को सुबह ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश की, बट इवेंचुअली शाम होते होते इसको देखिएगा 12:30 बजे के बाद ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, नीचे का बायर बेचारा कहीं नहीं रुक पाया, वो जोन टूटा, लेगिंग स्पैन में और करंट प्राइस के बीच में कंजेशन खत्म हुआ और उसके बाद प्राइस ने एक तरफा मूव पकड़ लिया। अगर एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ स्टॉप लॉस से रिलेटेड, हालांकि स्टॉप लॉस का एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, ऐसे में क्या कर सकते हैं कि जिस कैंडल के ऊपर आपको क्लियर सिग्नल मिल जाए ना शॉर्ट करने का, आप यहां पर शॉर्ट करके इसी कैंडल के हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा। अगर मार्केट यहां से आपको धोखा देने की कोशिश करता है तो आप इसी कैंडल के हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा करके आराम से बैठ जाइए। अगर आपका तुक्का, प्रिडिक्शन, एनालिसिस, पैरालिसिस सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मार्केट नीचे निकल जाएगा, और मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की तो आप उसी कैंडल के हाई के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और आप आराम से सेफ होकर के बैठ जाइए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपका स्टॉप लॉस नहीं खा पाएगा। अभी फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस के नाम पर आप ये कर सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो जिस कैंडल के ऊपर आपको क्लियर सिग्नल मिलता है वहां शॉर्ट बना दीजिए, उसी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस कर दीजिए। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, 90 डेज तक कोई ट्रेड नहीं करेगा, 90 डेज तक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। दूसरे नंबर का डिस्क्लेमर, एज के हम सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है, हम आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन, किसी भी तरह की एडवाइस देने के लिए एलिजिबल नहीं है और हम देना भी नहीं चाहते। मामला आपके पैसे का है, आप सिर्फ अपने रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर से ही बात करें और जो आपको वो सही सलाह देना है, देता है, तो आप उसके उस उसकी बात के ऊपर विश्वास करें और आप अपना डिसीजन लें। मार्केट में मेरे जैसे बहुत लोग हैं, हम लोगों से जितनी इंफॉर्मेशन आप ग्रैंड कर सकते हैं बिना पैसे दिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूँ, पैसे दे करके नहीं लेना कुछ भी, जितनी इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन जो आपको मार्केट को समझने में, एनालाइज करने में हेल्प करती है, ग्रैंड करते चले, आगे बढ़ते चले, यही कहना चाहते हैं।
बाकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी भी तरह का कुछ कुछ मन में आप हो तो आई एम ऑल इन। आप कमेंट्स लिख दीजिए, मेल लिख दीजिए, और साथ साथ चीज़ों को सीखते चलें, बस मैं यही कहूँगा। और कोशिश करें कि मार्केट को ऑब्जर्व करें, अगर फ्रेशर बिगनर हैं तो पैसा लगाएं नहीं अभी, जल्दबाजी में मार्केट में ना आए, क्योंकि सेटअप्स तो हैं, सेटअप्स तो आपको देखिए दिखा करके एंटाइज कर ही सकता है, कोई भी एंटाइज कर सकता है, देखो जी यहाँ खरीदा वहां बेचा, और मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ। तो किसी की बात पे विश्वास नहीं करना, जो आपने चीज सीखी उसको खुद अपने लाइव चार्ट पे लगा करके चलते बाजार में ऑब्जर्व करो और देखो उस चीज से सीखो। अगर वो 90 डेज तक करोगे तो फिर चार्ट आपसे बात करने लगेगा, ऐसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एक स्टेज के बाद आपको ना मतलब पैनिक नहीं होता, आपको पता होता है यार ये सेटअप है, यहाँ पर शॉर्ट बन रहा है, लॉन्ग बन रहा है, मैं यहाँ शॉर्ट करता हूँ, यहाँ स्टॉप लॉस लगाता हूँ, हद से क्या होगा, स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस देंगे, नहीं तो अगर आपको अपने सेटअप के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता है, ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल बात को कंक्लूड करता हूँ, वीडियो को खत्म करता हूँ, इजाजत लेता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आपको कोई चीज सिखा पाया हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये सेम इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय का धन्यवाद, अपने पैसे बचाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि पैसे बचाएंगे और हेल्थ को ठीक रखेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छा पैसा बना पाएंगे। फिर मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ काम की बात करूं, टाइम वेस्ट ना करूं। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल डे अहेड, बाय फ्रेंड्स।